अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मुस्तफ़ा और ये है मेरा पहला व्लॉग। तो इस व्लॉग को बनाने के पीछे मेन रीज़न ये है कि ये मेरे पास एक मेमोरी मौजूद रहे। अभी मैंने जाना है स्कूल, स्कूल जाके मैंने प्रैक्टिकल कॉपीज चेक करवानी है, तो स्कूल जाके आपको मिलते हैं। क्योंकि हम पहले बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल लगता है तकरीबन 9 बजे और 9:05 घर पर ही हो गए। तो पहले चलते हैं स्कूल, फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ी थोड़ी जहाँ वीडियो बनती है वहाँ मैं बनाऊँगा, बाकी स्कूल से बाहर आके आपको मिलूँगा। ये मैं क्लास में आ गया हूँ। ये मेरे पीछे बैठे हुए ये आहत है, ये कमरोज, ये चाचू है हमारे, बाकी बच्चे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉपीज बना रहे हैं बच्चे और हमने बनी बनाई कॉपीज ली है। ये देखो प्रैक्टिकल कॉपीज बना रही है। ये कौन वहाँ प्रैक्टिकल कॉपी सारे बना रहे हैं? ये पाई प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हैं, बनी बनाई कॉपियां, बनी बनाई कॉपियों के अपनी जैसा है, बनाना नहीं पड़ता खुले यार। मैं भी देखो ये है, ये हम स्कूल से छूट के निकल रहे हैं और ये हाल चेक करें। स्कूल से हम लोग निकल गए चुपके से और अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं घूमने फिरने। कहाँ जा रही है मुझे कंफर्म नहीं अभी, तो जाने जाते हैं आपको भी दिखाते हैं। यार कदे चेक करे बंदे की रॉन्ग वे लेके जा रहे हैं, ये चेक करा कि ट्रक का आ रहा है। अल्लाह माफ करे भैया को, गाड़ी चलाने की इतनी इजाज़त नहीं है, बताओ जरा भाई। वो दे वो भी लोग वो बोल रहे, वो भी पीछे आ गया साढ़े। यार ये मेरे साथ ना भाई, ये वाले भाई, ये बहुत हैवी ड्राइवर है, बहुत हैवी ड्राइवर है भाई। मुल्तान रोड पे इनका किसी ने रेस लगानी तो बताए भाई, ये बहुत हैवी ड्राइवर है। ये पीछे के बाद तो बैठे हुए, बताओ भाई। यार यार बहुत शरीफ बंदे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल शरीफों में एमबीए किया है सबने। हमारा भाई सीप भाई, ये हमारे सीप भाई जिन्होंने हमें घंटा वेट कराया है, और ये आज भाई आ रहे हैं इनकी गाड़ी को उन्हें फुल मजे लिए। इनके ब्रेक क्यों नहीं है गाड़ी की? आ रहा हूँ कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना ना। क्या बोला तूने? जाके इलाज करो अपना। अरे पीएम बोल दे भाई। हाँ पीएम बल्कि अच्छा वर्ड बोले। पीएम बना ना, मेरे चाइना को कहना है कि अपना सूबा बना लो पाकिस्तान। अच्छा सन, अच्छा भाई इकोनॉमी इकोनॉमी सही हो जाएगी। अच्छा मुल्क के हालात देखो, तो 210 रुपये लीटर हो गया, गरीब बंदा क्या करे, बंदा क्या करे जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है, 30-40 हज़ार। अच्छा। 10,000 वाले भी हैं, वो क्या करे? हाँ वो क्या करे बेचारे, मर जाए वो। बस कर रुलाएगा क्या, बस हालात ही अजीब हो गरीब हो गए समझो, बाहर हो गया। अभी केक एंड बेक है फ्लश पीने के लिए भाई। घूम फिर के हम लोग वापस आए हैं और ये कह रहे हैं कि फारूक कहना है कोऑर्डिनेटर को कि हम लोग स्कूल के अंदर थे और सर हमसे ये नहीं पूछेंगे फ्लश कहाँ से आया। हमने फ्री डिलीवरी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, देखते क्या होता है हमारे साथ।
कुछ करने को क्लास में ये बेलिया के स्कूल बैठे हुए ये देख सकते हैं कुछ पढ़ पुढ़ नहीं रहे फुल रिलैक्स सीन है कॉलें आ रही हैं कोई टीचर क्लास में नहीं है एसी चलता है क्लास में स्कूल ही अपना है स्कूल का गेड़ा लगवाते हैं आपको इन्होंने कुछ दिया ये देखो बच्चे खुले यहाँ घूम गए यहाँ पे बस कोऑर्डिनेटर नजर ना आ जाए एक घूम ये देखो कोई भी नहीं स्कूल के अंदर कोई भी नहीं है खाली स्कूल पढ़े इस क्लास में पढ़ जाओ इस क्लास में पढ़ जाओ वो देखो सब खाली पढ़े हमारा ना अभी ओएसिस का प्लान बन गया है अभी हम जाएंगे ओएसिस मैं बाइक खड़ी करूँगा उनका घर पे और ये भाई मुझे लेने आएगा अभी तो घर चलते हैं पहले कपड़े कपड़े रखते हैं फिर निकलते हैं ओएसिस के लिए सामान हमने सारा ले लिए और हम लोग ओएसिस के लिए रेडी हो गए बंद कर ले फिलहाल भाई दो मिनट यहाँ से लेफ्ट होना है रेडी हो गया मैं एक दोस्त को साथ लेना अभी मेरा दाहद है बाकी लड़के स्कूल में तो अभी हम चल रहे हैं लड़की को लेने फिर चलते हैं स्कूल लड़की को लेने लड़के को भाई लड़की को लेके जाने साथ में तो फिर हम चलते हैं स्कूल स्कूल सारे लड़के इकट्ठे होंगे फिर जब इकट्ठे होते हैं फिर आपको सारे सीन्स दिखाते हैं हमने तीसरे दोस्त को भी ले लिया तीसरा दोस्त हमारे साथ ये रहा समर भाई इधर देखें जरा तो अभी हम जा रहे हैं बाकी दोस्तों के पास तो वहाँ चल के आपको सारा सीन दिखाते हैं हम लोग अर्जी सेट हो गया और कम करो आप हम लोग आ गए यहाँ पे ये भाई के घर आ गए इनके वैसे लेके जाना है हमें हम अभी दैत के घर का ये हमारा बेबी हमारा बाल ये हमारा बेबी है ये हमारा बेबी लिटिल बेबी अभी बाकी लड़के भी आ रहे हैं ये देखें किस तरह फंस के हम लोग बैठे गाड़ी के अंदर ये बाकी भाई लोग भी आ गए एक ये खम्बा भाई हमारा खाना उम्र दिलदार ये असीम साहब जिन्हें सुबह मिले थे आप ये एक और भाई है ये है वलीद भाई हमारे जाके बह गया गड्डी पैसे ही पैसे ये हम लोग सारे रेडी हो गए जाने के लिए और मैं मेरे साथ ही दुबैर भाई समर और वो पीछे हमारी एक और गाड़ी आ रही है जैसे बाकी पांच लोग बैठे हुए तो ऐसे जा रहे हैं हम लोग तो वहाँ पहुँच के सारा सीन दिखाते हैं हमारा एक बंदा आया ही नहीं है दो बंदों का मसला मैं ड्राइवर हूँ तुम सारे मेंबर हो ये ओएसिस आए थे तो फुल मसला बन गया कि लड़की साथ अगर नहीं है तो आप अंदर जा नहीं सकते तो अब सीन लड़ाया कॉल की है तो उन्होंने कहा अंदर जा सकते हैं बट अंदर खाली खाना खा सकते हैं तो अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग ओएसिस अंदर जा रहे हैं क्या सारा सीन होता है जो भी होगा आपको जरूर दिखाएंगे सब कुछ ये गर्मी में खड़े खड़े हम सारे लड़के पागल हो गए गर्मी के मारे आ गए हम लोग फाइनली अंदर आ गए भाई ये वैसे तो आ गए हम लोग फाइनली बस अंदर घुस गए अब और आगे सारे लड़के लड़के आ गए अंदर चलते हैं अब तो अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग देखें क्या सारा क्या सीन है तू हल्दी जा हल्दी जा अच्छा जी ये सारी अपनी गैंग है
छह बंदे लेकर आने थे हमने और पूरा काफिला लेकर आ गए हम लोग। फिर आ गए हम लोग सारे अंदर, तो अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं हमने यहाँ पे, तो सारा बातचीत कर रहे फिर कपड़े चेंज करते हैं। अंदर आ गए, ये सारा वॉशरूम है। अच्छा ठीक है, बंद कर दिया। नहा दो फिर फ्रेश हो गए, तो आपको पता लगा ना वीडियो बनाना मन है। ये मामा हमारे समर भाई हैं, उस दिन आके फ्री हो गए, कपड़े छपड़े दोबारा पहन लिए, गीले कपड़े सारे इस पर रख दिए, अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ। ये सारा यहाँ पे सीन पूल है, आपको ऊपर सारा दिखाता हूँ मैं। प्राइवेट भी जगह है, कोई भी यहाँ पर नहीं है, फुल सारा अपना सीन है। ये सारा बिहार का व्यू है, ये सारे मजे एंजॉय कर रहे हैं, धूप सेक रहे भाई साहब। हम भी तो कपड़े कपड़े पहन के फ्रेश हो गए, तो खाना खाना खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये खाने के टेबल पे आ गए हम लोग, खाने का वेट हो रहा है और अभी तक खाना नहीं आया हुआ, और इस हम लोग सारे बैठे हुए हैं, खाने का वेट हो रहा है, साथ व्यू इंजॉय हो रहा है। आ गए और खाना खाते हैं अब, ये सारा खाना भाई इतना बिल आ गया, इतना खाया हम सब ने। ये वॉशरूम आ गए, लोग ये देखे इनके कारण में पेंडू वॉशरूम में आए हुए पहली मरतबा। हाँ ये यहाँ पे जूते भी रखे हैं, ये देखे इन जैसे बंदे जूते के ले जाते हैं, ये देखे इन जैसे बंदे के जूते उठा के ले जाते हैं यहाँ पे दूसरों के। बट साहब पेट भर गया, अभी पेट भर गया आपका, मज़ा आ गया। इन भाई साहब ने ट्रीट दी है हमें रोटी की, भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इनका सारा रेस्ट एरिया, ये पीछे वॉशरूम है, ये सारा रेस्ट एरिया। ये एक लिफ्ट का रास्ता है, ये बाहर सारा सीन। फुल मजे कराने वाली जगह है भाई ये, बस हम लोग ऐसे सब निकल आ चुके हैं, तो खाना खुना खा के फ्रेश हो गए, तो वापस घर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये जाएंगे, अभी आगे का कोई प्लान पता नहीं है कहाँ जाना है, अगर बैरिया के करीब करीब कहीं रहे तो हम इनके साथ ही होंगे, वरना इनको अलविदा कह देंगे हम लोग और वापस घर की तरफ का सफर शुरू हो चुका है। अभी प्लान चेंज हुआ है, वहाँ वैसे से निकल के हम लोग बाथरूम ओपन खाने आए हैं, तो ये सारे लड़के लड़के अपने बाथरूम ओपन आए हैं। काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, खाने जाने जाया हो जाए कितनी ज्यादा आई थी दी वहीं से 350 गई है 350 इतनी ज्यादा बज्जा नहीं थी सब बंदा पै ओके ओली था वाला ऑफिस पानी नहीं पियाना ला देता सर जी। ओके सर अल्लाह हाफिज़। ओके बटसा वाला हाफिज़ जो आपको काम का वो काम। अच्छा बड़ी मेहरबानी है। वीडियो की एंडिंग करना भूल गया था, तो एडिटिंग करते हुए याद आया कि एंडिंग तो की नहीं, तो होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें, और इन फ्यूचर आपको और भी ऐसे मज़े मज़े के ब्लॉग ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।